जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दशहरा, मूर्ति विसर्जन एवं गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयदशमी के दिन 4 अक्टूबर को गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित गोरखनाथ कुंड, रामलीला मैदान एवं संपूर्ण परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा एवं जुलूस तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने हेतु तैयारियों का जायजा लिया गया है एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक यातायात तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, अगर उनको उस तरफ से जाना है। देखिए 4 तारीख को जो विजयदशमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा इस क्षेत्र में जिसका आयोजन होना है, उसकी सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज हमारे और DM साहब द्वारा और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन के और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ स्थलीय भ्रमण और रूट मार्च किया जा रहा है। विशेष रूप से उस दिन आयोजन को कैसे सुरक्षा के सुदृढ़ घेरे में जो आसपास की जो पब्लिक है, जनता है, उनको सुगमता के साथ और सुरक्षा के साथ कैसे पूरा आयोजन संपन्न हो और क्या क्या तैयारियां आने वाले दिनों में होनी है उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांट करके अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस क्षेत्र की पूरी सफाई का, लाइटिंग का और बाकी जो व्यवस्थाएं होनी है, CCTV कैमरा के माध्यम से जो निगरानी की जानी है, ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की जा रही है, सभी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये पूरा आयोजन जो है वो सकुशल तरीके से संपन्न हो। देखिए ये यात्रा जो है वो गोरखनाथ मंदिर से शुरू होकर के और इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यहाँ पर वापस यात्रा आती है। जितनी भी यात्रा का जो हमारा रूट है उसको पैदल चल के देखा जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जो है वो जोन और सेक्टर में बांटा गया है, उसके प्रभारी एडिशनल SP, CEOs और इंस्पेक्टर्स को बनाया गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि अपने क्षेत्र में वो सुरक्षा करते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे जनपद के साथ साथ अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है और जो हमें अन्य जो पुलिस बल रहते हैं वो जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उनकी ड्यूटी भी पूरे क्षेत्र में लगाई। देखिए आज विशेष रूप से जो यात्रा का रूट है उसी का रूट मार्च जो है वो किया जा रहा है।